बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक बार फिर मुसीबत बढ़ने वाली है। छतरपुर में दलित बसोर समाज ने उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बसोर समाज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बेहद नाराज है। बसोर समाज ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राजस्थान के सीकर में खुले मंच से अपने अनुयायी के बीच बसोर समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में एक युवक से बातचीत कर रहे थे। बाबा बागेश्वर के पर्चे पर युवक ने आपत्ति जताई तो बाबा भड़क उठे। युवक को मंच से ही चैलेंज करने लगे। तभी युवक ने कहा कि वो भी ब्राह्मण जाति से है। इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तमतमाकर कहा कि हम क्या बसौर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद बसौर समाज में काफी नाराजगी है। आप देखने चले आए थे कि हम बाबा का पर्दा फाश करके मानेंगे, और आप चले आए थे कि बालाजी की कृपा है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम क्या बसौर हैं? मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा। अभी एक और बुलाओ, जिसको आप बुलाओ। नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। मेरी नजर में वो लव नहीं लिखा हुआ, वो कहेंगे ये लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप कहते हैं कि हम नहीं कहते, पर्चा कहता। ठीक है, ठीक नहीं, पर्चा कह रहा। नहीं नहीं, मैं भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इसे ये करते हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा इसमें? नहीं होगा, वो तो कह ही चुके। नहीं होगा। हाँ ठीक है, और बोला और बोला। बसौर समाज अपने आप को अपमानित समझ रहा है। बसोर समाज के जिला अध्यक्ष महेश कुमार बरार ने कहा कि बसोर समाज धीरेन्द्र के बयान से काफी आहत हुआ है। हम हर जिले में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। यदि सरकार ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम आंदोलन करेंगे और धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाएंगे। अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति के राष्ट्रीय महासचिव उदय कुमार महोबिया ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के दिलो दिमाग में मनुवादी विचारधारा भरी हुई है और यह उसी मनुवादी विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं। हम धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं, समाज इसका बहिष्कार करे और जो नेता इसके अनुयायी हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। आज हम अनुसूचित जाति थाना में ये ज्ञापन देने आए हैं कि राजस्थान के सीकरी गाँव में जो श्री धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री जी ने कथा वाचन के दौरान बसोर शब्द का इस्तेमाल किया है, वो पूरे भारत में हम हर जिले, हर गांव में, हर तहसील में ज्ञापन के माध्यम से सरकार और सभी पदाधिकारियों को सूचित कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि हमारा समाज का इन शब्दों से घोर अपमान हुआ है। यदि सरकार हमारी नहीं सुनती है और कानूनी कार्रवाई नहीं होती है या उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो पूरी भारत में हम आंदोलन करेंगे। और हम चेतावनी देते हैं कि हम अपना पूरा बसोर समाज धर्म परिवर्तन करके और धर्म परिवर्तन करेंगे और हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे। बागेश्वर पीठ के कथावाचक श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा 2 सितंबर 2023 राजस्थान के सीकर जिले में आयोजित धर्म सभा में किसी अनुयायी के अपने स्वयं को ब्राह्मण बताने पर श्री कृष्ण शास्त्री जी इतना भड़क गए कि उन्होंने अपने आप को कहा, अगर तुम ब्राह्मण हो तो काय हम बसोर हैं का। इसका शब्दार्थ यदि अगर निकाला जाए तो इसका अर्थ यह होता है कि आज भी इनके दिल और दिमाग में मनुवादी विचारधारा भरी हुई है और ये उसी मनुवादी विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं और उसी विचारधारा के तहत कहा गया शब्द काय हम बसोर हैं का अर्थ यह निकलता है आज की परिस्थिति में बसोर अछूत और अस्पृश्य जाति है, अस्पृश्य समाज है, इसको छुआ नहीं जा सकता है, यह हमारे भारतीय समाज से बहुत दूर है और मतलब एक तिरस्कार की दृष्टि से उसको देखा गया है और बोला गया है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम अपनी समाज से, अमीर सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं से यह अपील करना चाहते हैं अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति के माध्यम से कि ऐसे कथावाचक जो समाज में द्वेष और कटुता की भावना पैदा कर रहे हैं इनको बहिष्कार किया जाए और आज की राजनीति में ऐसे नेता जो इनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनकी शरण में हैं वो या फिर उनकी शरण में वो है, ऐसे नेताओं का भी विरोध होना चाहिए। मैं अपनी समाज से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे बाबाओं के जो प्रोजेक्टर नेता हैं उनका स्पष्ट तौर पर खुले रूप में विरोध होना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर एसडीओपी
सलील शर्मा ने कहा कि बसोर समाज ने ज्ञापन दिया है, जांच की जाएगी। महेश कुमार बराड़ जी जो जिलाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति जिला छतरपुर के, उनके द्वारा डीएसपी अजाक के नाम को संबोधित करते हुए एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के नाम से ऐसा उनके द्वारा लेख किया गया है कि श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा दिनांक 2/9 को राजस्थान के सीकर में किसी कथा में उनके समाज के लिए आपत्तिजनक शब्दों को बोला गया है। उनके द्वारा दिए गए आवेदन पत्र को लेकर के उसकी जांच के लिए लिख किया गया है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, saath hi global festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।